ଏବଂ ସୈନ୍ୟ ଦ୍ରୋଣ ଯିଏ ଯାହା ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଶେଷକୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଡାକ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ହେ ସ୍ୱାମୀ, ହେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ, ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ନିରୁପା ହୋଇଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଦାସ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନ ପାରି ଦ୍ରୌପଦୀ ଡାକିଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ହେ କହ୍ନେଇ, ହେ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ, हे जगन्नाथ, हे जगतनाथ, आज तुम सखी आज डाकुचे, तुम मत उद्धार कर प्रभु। डाकि छाड़ पशार बसी पशा खेल होने बाजिगला कृष्णकर पशा बेलक्ष हो जाऊँगी। श्रीकुण सत्यभाम कौन खेल खेल कहीं व्यस्त हो किंतु द्वितीय बार पकई पुणी डाकि रख गुरु पति गुरु ଡାକିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ବୋଲି ଆଜି ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ବାରମ୍ବାର ଡାକିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରିକାରେ ରାଜା ହୋଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ଡାକ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରୁଷଭା ତଳେ। ଏତଳକୁ ଦୁଶାସନ କ'ଣ କରିଛି, ଚୁଟିକୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ତଳେ ପକାଇ ସାରିଲାଣି, ଲୁଗା ଗୁଡ଼ିକ ଭିଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ନିରାଶ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ, ଏବେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେସବୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ରଖ ବାନ ରଖ ମୋତେ ହାତ ଦେଖିଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ହାତ ଟେକିଦେବା ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ହାତ ମଧ୍ୟ ଟେକିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ପାଇଯାଇଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ସେମିତି ହାତ ଟେକିଦେଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦ୍ୱାରିକାରୀ ସବଦଳ ଡାକିଦେଲେ, ହେ କଣ ନାହିଁ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, କାନୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଗଲା, ମୋ ସଖୀ ଡାକିଲା। ଯେଉଁ ସଖୀ ମୋତେ, ମୁଁ ଆମ୍ବ କାଟୁଥିଲି, ଆଜି ଛୁରୀରେ କାଟି ହେଇଥିଲା ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି, ତାର ସେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ରଟାକୁ ନିଲମରେ ଚିରିକିରି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସଖୀ ମୋର ଆଜି ଡାକୁଛି, ଯିବି ତାକୁ ଦେବୀ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଡାକିବେ ପୁଣି ଥରେ। रख बाल रख मोरे रख
आसीगला लुगा तापछ तापछ लक्ष लक्ष लुगा आसी पहुँचीगला दुशासन दुर्वासन कर समस्ते आश्चर्य होती लुगा कौटू आस रखुची से जिते लुगा घूरते भिड़ी पारा ना कि लुगा सरला ना लुंडजिया दुशासन लज्जा भी फोपाड़ी पड़ी दुर्दर्जन बेहस हो जाए समय भगवान गोटे बात्या सृष्टि कर मस्तक क्षीरटी ना कहारी कंधरे गामुछा ना समस्त निवर्सन होती ठिया प्रभु द्रौपदी को देखा देखते दुख शुणी आशीर्वाद कर सखी तुम रखी से गांधारी कहले आ ठीक कथा कृष्ण यहाँ तक अवश्य भूल था कि कौन करें मोर मातृहृदय कांदुची मोर शह शहटा पुह आज मारिदेलु ये गोटा मो से दुख मुझे प्रकाश करते अभिशाप दौच देवी कारण तो वंश से कहीं रही ना ठीक से ही प्रकार भाव में आज जगन्नाथ बा कृष्ण वंश गोटे न रखी आज बाल मुकुंद नीलमाधव हो आसिक पहुंच गए आ गए कथा अच्छी कौन जो बाड़ी युद्ध कै अर्धे बल हरण करे तार तो अर्धे बल हरण कर उपाय कौन किसी ना बाड़ी विकटा रूप को देखिक योद्धा भयभीत हो जाए तेणु बाड़ी को गोटे कामिनी बोली गोटे मोहिनी बोली गोटे वृक्ष ब्रह्मा देखे कहे बाड़ी ये वृक्ष टू तु पोतिदेबु तो सिंह द्वार गच हम से तक रक्षा कर बाड़ी महाबली बाड़ी जो कि रावण ताकि हारी जाता यथानन बाड़ी बड़ी परशुराम एवं सहस्रार्जुन ये चारजण पाखे हारी जाता बाड़ी बड़ी परशुराम सहस्रार्जुन थे बड़ी पाखु जाड़ी बड़ी द्वारे बामन जयतु पति पावन बड़ी द्वारे बामन ठियाई ये किए रावण दशानन गला कह दिग्विजय करो राजा को डाके मो सहित युद्ध कर बामन ठिया कहे अरे राजा को कौन डाकबी तू जो मैं कंकण तले पकड़ जब उठे दबु तेल मुझे राजा को डाक सी कंकण टा फोपा देखते बामन रावण आ उठे पड़ना से लज्जित होकर पलि आई सहित मत युद्ध करणी सहित युद्ध करनी जेहेतु से अर्धे बल नहीं जाए मोहिनी रथ मूल भगवान बस आज समय नवानी भगवान कौन कर राम लुचिक मारिदे बाड़ी मरी जा कानी कानी कही प्रभु तुम सुग्रीव है मित्र मुहरी शत्रु किपरी मान तो दुई भाई ना तू कहीं प्रभु रामचंद्र मुहरी शत्रु सी हेले मित्र तुम्हें तो चाहिए मत तुम रखी मु गोटे दिन जा जो रावण को काफे जा फोपा दे अंगद मो पु खेला मु रावण को चुट्टि धरिकी तले पकई था ये सैन्य सामंत आप कौन दरकार था भगवान कहले अरे मूर्ख भाई तू महापापी अनुज स्त्री भगिनी अनुज स्त्री भगिनी एवं अन्य नारी एवं कन्या ये मानू जे अपदस्थ करे ये संसारे निकृष्ट भावे सहित प्रीति करे तो भाई बहु हो नमा सुग्रीव स्त्री तू जबरस्ती आनी रखिकी तोर आनंद उपभोग कलु ये ठीक है तू महापापी
तुम्हें ये जो जिनस कर शिशुबद्ध जे करे गर्भिणी स्त्री को जे मारे अन्नर स्त्री को भाई बहु इत्यादि अपहरण करे किंतु पाप करतु तो मारे से प्रभु चरण में शरण पशी पशिगला बाड़ी प्रतिपात कर आत्मा सद्गति होगा अंगद ठिया मन मन चिंता करे प्रभु मो पिता मारिदे मुँह कौन करी अंगद मन कथ शुणी प्रभु कह अंगद तुम मन दुख करनी तो पिता स्वर्ग स्वधार स्वर्ग को चलीगले सी हूँ पुत्र एवं तुम्हें यहपर दिन आस प्रतिशोध नवाक चाहू तो नब मुझे कृष्ण जन्म हरि पिड़ी अस्वस्थ गच्छ वृक्ष शेष जीवन में शयन करी से तुम्हें जारा सबर हो जन्म हो सबर जाति मध्य हिरण्य धेनु से सबर राजा हिरण्य धेनुर पुत्र हूँ एकलव्य द्रोणाचार्य गुरु दक्षिणा स्वरूप बाम आंगुठी काटिका अंगुष्ठा हिरण्य धेनुर पु एकलव्य एकलव्यर पुत्र हूँ किए से जारा सब तेणु अंगद तुम जारा सबर हो जन्म हो तुम पितृ प्रतिशोध से समय नब बोली कहीकि चलीगले अंगद होता आज जारा सबर नारद कहले हे नारद को भगवान कहते जगन्नाथ हे नारद ये गोटे गोटे अभिशाप को प्रणिपात सहित ग्रहण कर गांधारी अभिशाप ग्रहण कर बाड़ी अभिशाप ग्रहण कर समस्त अभिशाप को लेकर आज मुझे देह त्याग कर देह त्याग कला मु 14 वर्ष काल सौम्यवती पाखे रही तापरे अंतर्ध्यान नवाद रही 14 वर्ष पर नवाद रही जगन्नाथ हवा पर बाप सुगम होसत किसी समय पर शुणा गोटे भजन पर नवाद कथा कह समापन करवा राम कृष्ण भजरे दीन बंधु कृपा सिंधु मृदु पद कंजरे कंजरे